नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है ईडी के द्वारा, वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह तक साबित नहीं हुआ। शराब नीति से जुड़ी घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी का कहना था कि केजरीवाल को 9 सम्मन भेज चुके थे, लेकिन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद भाजपा उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती है, वही इंडिया की पार्टियां उनके समर्थन में उतरती है। आप नेताओं का कहना है कि केजरीवाल भाजपा की राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज देती है। ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं। अगर चलाएंगे तो क्या ऐसा संभव है? क्या सीएम केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चला पाएंगे या नहीं? दोस्तों शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेजा है। ऐसे में आजाद भारत में केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बावजूद भी केजरीवाल ने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया था और वह दिल्ली के सीएम पद पर अभी भी बने हुए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिसंबर 2023 में दिल्ली में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें मैं भी केजरीवाल कैपन के जरिए लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या गिरफ्तार होने पर जेल से सरकार चलानी चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि मैं भी केजरीवाल अभियान के दौरान 90% लोगों की राय थी कि केजरीवाल जेल में रहे या कहीं भी, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में एक सर्वे भी दिल्ली में कराया था, उसमें भी यही बात निकल कर सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सत्ता संभालेंगे। इसके बाद ही दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सरकार जेल से ही चलेगी, अगर जरूरत पड़े तो आम आदमी पार्टी अदालत जाएगी और कोर्ट से इस बात की इजाजत भी लेगी ताकि जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठकें कर सके और जेल में फाइलें ले जाई जा सके। संविधान के अनुसार कानून की नजर में गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं माना जाता। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है। इसके अलावा जेल से ही सरकार को भी चला सकता है। इस हिसाब से सीएम केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता बताते हैं कि जेल से सरकार चलाना जेल के नियमों पर निर्भर करेगा। इसमें जहां तक व्यवहारिकता की बात है तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। अब अगर ये सवाल उठता है कि जेल से कैबिनेट या मंत्रियों के साथ बैठक कैसे होगी, तो उसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगी। अगर जेल प्रशासन सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें लेने की अनुमति नहीं देता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर तिहाड़ जेल के एक पूर्व अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जेल अधिनियम 2000 के तहत प्रशासन के पास किसी भी इमारत या क्षेत्र को जेल घोषित करने का अधिकार है। इस प्रावधान के तहत सैद्धांतिक रूप से जेल के भीतर से सरकार के कामकाज को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस तरह के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास है। उन्होंने इसके लिए उद्योगपति सुब्रत राय सहारा इसके अलावा का उदाहरण दिया। जब सुब्रत राय सहारा जेल में थे तब जेल के एक कॉम्प्लेक्स को जेल घोषित किया गया था। वहाँ इंटरनेट, फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। यही रहकर सहारा ने अपनी संपत्ति बेची थी और कर्जा चुकाया था, तब जाकर उन्हें जमानत मिली थी। एनसीटी दिल्ली एक्ट के तहत जेल से सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में कामकाज अथवा किसी भी फैसले से संबंधित फाइलें केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के जरिए ही भेजी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे तो उन्हें जेल में ही कैबिनेट की बैठकें करनी पड़ेगी, फाइलें साइन करनी पड़ेगी, चेक साइन करने पड़ेंगे, अधिकारियों को ऑर्डर पास करने होंगे, शासन और प्रशासन के लिए रोज दर्जनों लोगों को केजरीवाल से मिलना होगा। लेकिन इन हर कामों के लिए केजरीवाल को हर बार अदालत से इजाजत लेनी होगी। अगर कोर्ट की मंजूरी के बगैर कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनौती मिल सकती है।
ऐसे में नियम यह कहता है कि जेल में कैद शख्स को एक कागज और कलम देने से लेकर किसी से मिलने तक हर चीज के लिए अदालत से इजाजत लेनी होती है। यदि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे तो सीएम ऑफिस से जुड़े ऐसे दर्जनों कामों के लिए एक दिन में उन्हें अदालत से दर्जनों परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास भले ही पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी सरकारी फाइलें होती हैं जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है। एक तरीके से इन फाइलों पर सीएम ही फैसले ले सकते हैं, पर अब उनके जेल में होने से यह भी मुमकिन नहीं है। केवल न्यायिक जरूरतों के कागजों अथवा दस्तावेजों पर जेल प्रशासन की अनुमति से अपने वकील के जरिए साइन कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों को देखना या उन पर साइन करना मुमकिन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब दिल्ली सरकार के पास दो विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद विधायक दल का नया नेता चुना जाए और कोई और मुख्यमंत्री बने। दूसरा विकल्प, केजरीवाल सरकार पर संवैधानिक संकट को आधार मानते हुए सरकार बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है।